हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर हमने एंडोस्पर्म में न्यूक्लियर टाइप का पढ़ लिया था। आज हम उसे रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म जब एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। भ्रूणपोष कहते हैं इसे हिंदी में, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो कि आगे विभाजन करके डिवीजन करके डेवलप होकर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करता है, जो कि तीन टाइप के हमने पढ़े थे, जिनमें था न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हिलोबियल। चलिए स्टार्टिंग से आज हम बिल्कुल अच्छे से स्टडी करते जाते हैं थ्रू डायग्राम, ताकि आपको जितना भी हमने कल पढ़ा था वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आपको पता है, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष ये मेल गैमेट के सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होने से बनता है, जिससे कि जब मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज तो इनिशियली बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है ये ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि 3n होता है। इस ट्रिप्लॉइड में सिर्फ जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर ये ट्रिप्लॉइड होता है और एम्ब्रियो डिप्लॉइड होता है। तो ध्यान रखना, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आगे जाके डेवलप करके बनाता है एंडोस्पर्म, जो कि डिफरेंट टाइप से डेवलप होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से डेवलप होकर एंडोस्पर्म बनता है, भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष नाम में ही पता चल रहा है, पोष, पोष का मतलब होता है पोषण, न्यूट्रिशन। तो एंडोस्पर्म का काम क्या है? ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, पोषण देने वाला टिश्यू। अभी न्यूट्रिशन किसे देगा? तो ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रलाइज रखता है, यानी कि उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब दो टर्म आते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मिक और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। जब हम सीड की बात करते हैं, जब एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म दोनों मैच्योर हो जाते हैं तो सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तब तक तो कुछ सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जो मैच्योर सीड होते हैं कुछ के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और कुछ के अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। तो जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है मैच्योर सीड के अंदर, उन्हें एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं, जिसके एग्जांपल हैं वीट, मेज, कोकोनट, यानी कि गेहूं, मक्का और नारियल। और नॉन एंडोस्पर्मिक जब मैच्योर हो जाता है एंडोस्पर्म, यानी कि जब सीड मैच्योर होता है तो उसके साथ साथ सीड मैच्योर हो रहा है, यानी कि उसके अंदर कौन मैच्योर हो रहा है? एम्ब्रियो मैच्योर हो रहा है। देखिए, अगर यहाँ पे लो ये, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसे मान लो ये एम्ब्रियो है और यहाँ पर ये है एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म क्या करता है? ये एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन दे रहा है। तो जब ये मैच्योर होगा तो कुछ के अंदर तो ये एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूज़ कर लिया जाता है। तो उनके अंदर जब पूरी तरह से यूज़ कर लिया जाता है तो एंडोस्पर्म मैच्योर सीड के अंदर बचता ही नहीं है, तो उन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जिसका एग्जांपल है साइसर एंड पी, चना और मटर। और कुछ के अंदर यूज़ किया जाता है लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट बच जाता है, उन्हें एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है वीट, मेज एंड कोकोनट। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, कि जो एंडोस्पर्म है वो तीन टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हिलोबियल। न्यूक्लियर का मतलब है केंद्र की, सेलुलर का मतलब है कोशिकीय और हिलोबियल को कहते हैं हिलोबियल। इसको कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है। अब एक पॉइंट यहां ध्यान रखना यह है कि जो डेविस थी, डेविस 1966 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि 288 एंजियोस्पर्म्स हैं। उन 288 एंजियोस्पर्म्स में से 250 को हम स्टडी कर चुके हैं। कितने? 250 की स्टडी हो रखी है, जिसमें से 161 कितने, रेड पेन ही लेते हैं, 161 ये पूरा वन है, ठीक है, एक सेकेंड, ओके 161 तो आते हैं न्यूक्लियर, 72 सेलुलर एंड 17 हिलोबियल। अब ये क्या है? ये हैं 288 या 250, ये हैं फैमिलीज़ के नंबर, कि टोटल इतनी फैमिलीज़ हैं एंजियोस्पर्म की, जिसमें से इतनी फैमिलीज़ को डाटा हमें पता है, जिसमें 161 के अंदर न्यूक्लियर टाइप का मिलता है, 161 फैमिलीज़ के अंदर कुल जिन्हें कहते हैं सेलुलर मिलता है 72 में, हिलोबियल मिलता है 17 में। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक एक को आगे पढ़ते जाते हैं। तो देखिए, अगर हम सिंपल देखें तो इस तरह से हम तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कि न्यूक्लियर के अंदर क्या होता है,
ये जो इसका न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा, यानी कि कैरियोकाइनोसिस होगी। उसके बाद दो न्यूक्लियस बने, अब इनके अंदर फिर से कैरियोकाइनोसिस होगी, यानी कि सबसे पहले न्यूक्लियर के अंदर कैरियोकाइनोसिस होती है, और जब न्यूक्लियर डिवाइड होकर एक जितने इनके फिक्स नंबर होते हैं उतने अचीव कर लेते हैं, उसके बाद इनमें साइटोकाइनोसिस यानी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा या सेल्स का फॉर्मेशन होगा। सेलुलर के अंदर डिवीज़न होता जाता है और सेल का फॉर्मेशन होता जाता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस फॉलोअड बाय साइटोकाइनेसिस। दिख रहा है जैसा कि आपको कि यहाँ पर पहले न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद में सेल्स का फॉर्मेशन होगा, बाद में सेल्स बनेंगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही न्यूक्लियर डिवाइड हुआ, साथ साथ सेल वॉल भी बनती जा रही है। तो यहाँ तक पॉइंट कंप्लीट होता है। उसके बाद में जो थर्ड है, हिलोबियल टाइप, इस हिलोबियल के अंदर आपको जैसा कि दिख रहा है कि पहले इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। कैसा डिवीज़न होता है? ट्रांसवर्स डिवीज़न। और उस ट्रांसवर्स डिवीज़न से दो सेल्स बनती हैं, एक अपर वाली बनती है, अपर वाली को कहते हैं माइक्रोपाइलर सेल और लोअर वाली को कहते हैं चलाजल। ये होती है चलाजल और ये होती है माइक्रोपाइलर। ये है चलाजल और ये है, सॉरी, ये है माइक्रोपाइलर और ये है चलाजल। माइक्रोपाइलर वाली बड़ी होती है और चलाजल वाली छोटी होती है। अब दोनों के अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके साथ अपर वाली सेल के अंदर तो साइटोकाइनेसिस भी साथ साथ होता जाता है, यानी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता जाता है, लेकिन लोअर वाली में ऐसा नहीं होता। तो ये हम जब सिंगली इनको पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये आपको यहाँ से डायग्राम के थ्रू बताया जा रहा है कि इसको देखिए, यहाँ पर ये है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ? डिवीज़न हुआ, जिससे कि डिवीज़न कैसा है? माइटोटिक, जिससे कि ये न्यूक्लियाई बने। और ये न्यूक्लियाई जब एक नंबर को अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद ये अपनी पेरिफेरी की तरफ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, परिधि की तरफ, और सेंटर में एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर धीरे धीरे इनमें वॉल का फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल बनती है, सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि परिधि से केंद्र की ओर होता है, सेंट्रिपेटल मैनर में होता है। यह है न्यूक्लियोटाइप का एग्जांपल। सेलुलर के अंदर डिवीज़न हुआ, डिवीज़न के साथ साथ यहाँ पर सेल का फॉर्मेशन भी होता जाता है, यानी कि देखिए सेल वॉल बन गई और दो सेल फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस साथ साथ चलते हैं, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। हिलोबियल के अंदर डिवीज़न होता है, जिससे कि दो सेल्स बनती हैं, अपर वाली लार्ज और लोअर वाली स्मॉल। अब अपर वाली के अंदर तो साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होते हैं। लोअर वाली के अंदर डिवीज़न होता है न्यूक्लियस में, दो तीन न्यूक्लियाई बनते हैं, वो भी डीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि वो भी नष्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर एक लार्ज वैक्यूल बन जाती है। और जो लार्ज सा चैम्बर बनता है खाली सा, वो इसके थ्रू भर दिया जाता है, यानी कि जो माइक्रोपाइलर वाली सेल्स हैं इनके थ्रू फिल कर दिया जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हुआ हो। इसे हम वापस से एक बार जब तीनों पढ़ लेंगे उसके बाद वापस से इसे स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर टाइप, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था न्यूक्लियर के अंदर, कि न्यूक्लियर टाइप के अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस। देखिए कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोअड बाय, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। फॉलोअड बाय होता है मतलब दो न्यूक्लियस बन गए, सेल वॉल बन गई, फिर चार बने, फिर सेल वॉल बन गई। तो कैरियोकाइनेसिस जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो सेल्स बनती हैं वो न्यूक्लियर डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बनती हैं। और जो सेल वॉल बनती है वो सेंट्रीपेटल मैनर में बनती है। सेंट्रीपेटल का मतलब जैसे कि ये न्यूक्लियस है, अब इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ तो इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, ये बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, और ये न्यूक्लियाई अपने आप को पेरिफेरी की तरफ अरेंज कर लेंगे। उसके बाद में इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से ये पहले परिधि की तरफ, उसके बाद सेंटर में आएगी इस तरह से। तो इसमें सेंट्रीपेटल मैनर में अभिकेंद्र की, अभी केंद्र की क्रम में होता है। यहाँ तक आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए हो। अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर बहुत वेरिएशन मिलती है। क्या वेरिएशन मिलती है? बहुत सारी।
कि जो न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म है ये डिफरेंट डिफरेंट जीनस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रिमुला, मैंजीफेरा एंड सिट्रस, ये जो तीनों जीनस हैं इनके अंदर जैसा कि एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होना चाहिए कि सबसे पहले तो इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस हो गया, उसके बाद ये न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ अरेंज हो जाएंगे, जितने भी न्यूक्लियस बने ये पेरीफेरी की तरफ अरेंज हो जाएंगे, उसके बाद इनमें सेंट्रीपेटल मैनर में इस मैनर में वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इस तरह से वॉल यहाँ पे मिलेगी ये, और ये परिधि से केंद्र की तरफ होती जाती है, इस तरह से सेंटर में आएगी। तो ये तो मिलता है इन तीन के अंदर, प्रिमुला, मैंजीफेरा एंड सिट्रस के अंदर आपको जो यहाँ पर दे रखा है उसी तरह से मिलता है। इसके अलावा कैलोट्रेपिस एंड रेफ्लेशिया, ये है रेफ्लेशिया का फ्लार जो कि सबसे बड़ा फ्लार होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। तो ये एक पैरासिटिक फ्लार है, रेफ्लेशिया और कैलोट्रोपिस जिसे आप कहते हैं, ये है रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया एंड कैलोट्रोपिस, आंकड़ा या मदार, आंख मदार जिसे आप कहते हैं। इनके अंदर जब 8 से 16 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, यानी कि जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि ये न्यूक्लियस है ये एंडोस्पर्म, इसके अंदर 8 न्यूक्लियाई बन गए, उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। सेकंड, आपको कुछ और जैसे कि पॉलीगोनम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं पॉलीगोनम। पॉलीगोनम के अंदर जो माइक्रोपाइलर एंड होता है यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन मिलेगा और चलाजल एंड खाली मिलेगा। इसी तरह से नारियल, नारियल के अंदर क्या होगा, कोकस न्यूसीफेरा, इसके अंदर जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये है इसका जो ये आपको वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये पूरा ही एंडोस्पर्म है, ये भी एंडोस्पर्म है और यहाँ पर ये दिख रहा है ये भी एंडोस्पर्म है। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है फर्स्ट ये डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियाई को बनाता है, क्या करता है, जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होकर बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाता है और ये न्यूक्लियाई फ्री रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या, जो आप कोकोनट मिल्क पीते हो, जो कच्चा नारियल होता है इसके अंदर बहुत सारा वाटर भरा हुआ होता है, मिल्की होता है ये एकदम स्टार्टिंग में, एकदम इसके अंदर वाटर से फिल रहता है, वो होता है साइटोप्लाज्म। उसके अंदर जैसे जैसे डिवीज़न होते जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो आपको जो आप मलाई खाते हो कोकोनट मिल्क में, जो आपको वो मलाई मिलती है, जो वाइट वाइट सब्सटेंस मिलता है, वो होते हैं इसके एंडोस्पर्म। तो पहले कुछ कुछ एंडोस्पर्म्स के गुच्छे बनते जाएंगे, उसके बाद में ये पेरीफेरी की तरफ अपने आप को अरेंज कर लेंगे न्यूक्लियस और वहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये सेल वॉल का फॉर्मेशन सिर्फ पेरीफेरी की तरफ ही होगा, सेंटर में एक वैक्यूल रह जाएगी और ये वैक्यूल धीरे धीरे करके जितने भी न्यूक्लियाई थे वो सारे सेंटर की तरफ अरेंज हो जाएंगे और सेंटर में आपको एक वैक्यूल एंड तक मिलेगी। ये एग्जाम्पल जो है न्यूक्लियर का है, यह है सुपारी, अरेका कटेचू, अरेका कटेचू साइंटिफिक नेम है। नारियल का क्या था, कोकस न्यूसीफेरा। अब इसके अंदर भी कोकोनट की तरह ही पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा और वो न्यूक्लियर फ्री फॉर्म में रहेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर और उसके बाद में इनके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जैसा कि न्यूक्लियस के अंदर, जैसा कि उसके अंदर था कोकस के अंदर कि एंड तक सिर्फ पेरीफेरी पर ही सेल्स का फॉर्मेशन होता है, बीच में एक वैक्यूल मिलती है, लेकिन इसमें क्या होगा, पूरा मिड तक यहाँ पर सेल्स का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से ये एक रूमिनेंट टाइप का एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। रूमिनेंट क्यों, क्योंकि इसकी जो आउटर वाली स्कीन होती है ये आउटर वाली स्कीन इस तरह से आउटग्रोथ करती है और इस वजह से ये अंदर की तरफ धस जाती है, जिसे आप सीड कोट कहते हैं, ये इस तरह से ग्रोथ करके अंदर की तरफ धस जाती है। तो इसमें आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है, तो ये रूमिनेंट एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि इसके जो सीड कोट है उसमें इनग्रोथ हुई है, अंदर की तरफ ग्रोथ हो गई है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ, ये सारे हमने किसके एग्जाम्पल पढ़े हैं, ये सारे हमने न्यूक्लियर टाइप के एग्जाम्पल पढ़े। अब आता है सेलुलर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर टाइप में आपको बता चुकी थी, सेलुलर एंडोस्पर्म ये भी हमने पढ़ा था, इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस साथ साथ होते हैं। कि जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हुआ, ये कैरियोकाइनेसिस हुआ, दो न्यूक्लियाई बने और इनके साथ में साइटोकाइनेसिस भी होगा, यानी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही 4 न्यूक्लियाई बने,
इन फोर के अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि केंद्रक विभाजन के साथ साथ जीव द्रव्य विभाजन भी होता है। अब इनमें जो फर्स्ट डिवीजन होता है और उसके बाद जो सेकेंड डिवीजन होता है, जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीजन के बेसिस पे इन्हें चार टाइप में डिवाइड किया गया है। स्नार्फे थ्रू वो है एडोक्सा, वर्बेस्कम, एनोना एंड मायोसिटिस। ये सारे ही साइंटिफिक नेम है तो इन्हें आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। एडोक्सा, वर्बेस्कम, एनोना एंड मायोसिटिस। एडोक्सा के अंदर क्या होता है, फर्स्ट लेते हैं हम एडोक्सा के अंदर, क्योंकि इनमें फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीजन, जो ये PEN बना है, इस PEN के अंदर फर्स्ट डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल होता है और उसके साथ साथ सेकेंड डिवीजन भी लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर फोर सेल्स मिल जाती हैं, ठीक है। सेकेंड आया वर्बेस्कम, इसके अंदर, इस PEN के अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट डिवीजन है वो ट्रांसवर्स्ड होगा इस तरह से, और सेकेंड डिवीजन, ये फर्स्ट डिवीजन है और ये सेकेंड, दोनों ही कैसे हुए हैं इसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल। और इसमें फर्स्ट डिवीजन तो ट्रांसवर्स हुआ और सेकेंड डिवीजन कैसा होगा, सेकेंड डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल होगा, जिससे कि यहाँ पर एक आपको फोर सेल्स मिल जाएंगी। तो सेकेंड डिवीजन यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो याद रखिएगा, वर्बेस्कम एडोक्सा के अंदर दोनों डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल हैं और इसके अंदर दोनों डिवीजन अलग अलग हैं। तो चलिए इसे लिख देते हैं, एडोक्सा के अंदर दोनों ही कैसे हैं, लॉन्गिट्यूडनल, इसके अंदर दोनों डिवीजन में से फर्स्ट वाला ट्रांसवर्स एंड सेकेंड वाला लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। थर्ड, एनोना के अंदर फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, तीनों ही डिवीजन कैसे होंगे, ट्रांसवर्स होंगे। अब हम थर्ड एनोना की बात कर रहे हैं, एनोना के अंदर फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स होगा, सेकेंड डिवीजन ट्रांसवर्स होगा, थर्ड भी ट्रांसवर्स होगा। इससे ये फोर सेल इस तरह से लीनियरली प्रेजेंट मिलेंगी। तो इसके अंदर तीनों ही डिवीजन कैसे मिल रहे हैं, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन मिल रहे हैं, तीनों ही डिवीजन ट्रांसवर्स मिल रहे हैं। एक सेकेंड, आई थिंक आपको एनोना समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट को लेते हैं कि इसके अंदर तीनों डिवीजन ट्रांसवर्स ही मिल रहे हैं। अब फोर्थ है मायोसोटिस, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन ऑब्लिक होता है, फर्स्ट डिवीजन ऑब्लिक होगा, दो सेल्स बनेंगी और उसके बाद में डिवीजन किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो ऑब्लिक होगा। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है। एडोक्सा के अंदर सारे ही डिवीजन कैसे हैं, तो यहाँ पर एडोक्सा लिख दो, पहला, दूसरा वर्बेस्कम, तीसरा एनोना और फोर्थ मायोसोटिस। सबके अंदर अपना अपना लिख दो। एडोक्सा के अंदर सारे ही डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल हैं, जिससे कि फोर सेल्स मिल रही हैं जो कि वर्टिकली प्रेजेंट हैं, खड़ी प्रेजेंट हैं। वर्बेस्कम के अंदर फर्स्ट होता है ट्रांसवर्स्ड और सेकंड होता है लॉन्गिट्यूडनल। एनोना के अंदर तीनों ही डिवीजन, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड की ही बात करें और थर्ड, तीन डिवीज़न होते हैं और तीनों ही कैसे होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं। मायोसोटिस के अंदर ऑब्लिक डिवीज़न होता है, ऑब्लिक, तिरछा। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ से देखिए कि ये इसका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस था, जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट के फ्यूज़ होने से बना है। अब इसके अंदर डिवीज़न होता है फर्स्ट ट्रांसवर्स, जिससे कि दो सेल बनी। देखिए, कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके साथ साथ वॉल का फॉर्मेशन भी हो गया, उसके पास सेकंड डिवीजन होगा, यानी कि जितने भी डिवीजन होंगे उनमें साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने के साथ साथ, मतलब न्यूक्लियस के डिवाइड होने के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और वॉल का फॉर्मेशन साथ साथ होता जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे कि इसके अंदर आपको
जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है इसके अंदर पहले आपको न्यूक्लियर डिवाइड होते मिलते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और उसके बाद में एंड में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, वो भी सेंट्रिपेटल मेम्ब्रेन, यानी कि पहले पेरिफेरी की तरफ फिर एंड में सेंटर में। किसी किसी के अंदर तो बिल्कुल अंदर कैविटी रह जाती है, जैसा कि हम देखते हैं कोकोनट के अंदर, कभी कभी ये पूरा फिल मिलता है, जैसे कि अरेका कटेचू के अंदर। यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ होता रहता है। थर्ड आता है हिलोबियल टाइप। हिलोबियल टाइप के अंदर क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स होता है, जिससे कि दो सेल बनती है। अपर वाली सेल थोड़ी बड़ी होती है, वो माइक्रोपाइल साइड की होती है, यानी कि बीजांड द्वार के पास होती है, और जो लोअर वाली सेल है वो छोटी होती है और वो चलाजा के पास होती है, यानी निभागीय क्षेत्र के पास होती है। तो अपर वाली सेल को माइक्रोपाइलर सेल कह सकते हैं, फिर माइक्रोपाइलर चैम्बर कह सकते हैं, और लोअर वाली सेल को चलाजर चैम्बर यानी कि निभागीय सेल कह सकते हैं। अब जो ये लार्ज वाली सेल है, माइक्रोपाइल की तरफ वाली सेल, इसके अंदर देखिए माइक्रोपाइल की तरफ कैसे पता चलेगा आपको, ये देखिए यहाँ पर ये एम्ब्रियो है, ये जो ये ब्लैक वाला डॉट है ये एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो किससे बनता है, एग सेल से फ्यूज होकर। एग सेल कहाँ होती है, एग सेल होती है जहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड होता है, वहाँ पर एग एपरेटस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मतलब एग एपरेटस प्रेजेंट है, तो इस वाली सेल को माइक्रोपाइलर सेल कहते हैं या माइक्रोपाइलर चैम्बर कहते हैं। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होते हैं, ये पहले एक नंबर में फिक्स नंबर में डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद में इनके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और जो ये चलाजल वाली सेल है इसके अंदर न्यूक्लियर डिवाइड हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम रॉन्ग दे रखा है, तो इसे आप यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए कि इसके अंदर जैसे ही न्यूक्लियर डिवाइड होता है उसके बाद एक फिक्स नंबर एक अटेंड करने के बाद, यानी कि कुछ नंबर अटेंड करने के बाद इसके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। और जो लोअर वाली सेल है, इस लोअर वाली सेल के अंदर क्या होगा, ये जो लोअर वाली सेल है इस लोअर वाली सेल के अंदर न्यूक्लियर डिवाइड होता है, ये यहाँ पर न्यूक्लियर डिवाइड होगा, सिर्फ 2 से 3 न्यूक्लियाई बनेंगे, मतलब 2 से 3 डिवीज़न होंगे, जिससे कि कुछ सेल्स कुछ न्यूक्लियाई बन जाएंगे, और ये न्यूक्लियाई बाद में डीजनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ये आगे रोल नहीं प्ले करेंगे, और उस वजह से यहाँ पर एक चैम्बर बन जाएगा कि यहाँ पर तो सेल्स रह गई, और ये पूरा एक वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा जो कि इन सेल्स के थ्रू फिल कर दिया जाएगा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि हिलोबियल टाइप में फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स होता है, उसकी जिससे कि 2 सेल्ड बनती हैं, यहाँ पे ये सेल्ड का स्पेलिंग गलत है, इसे आप सही कर लीजिएगा, CELLED, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि 2 सेल्ड फॉर्म होती हैं, 2 सेल बनती हैं, जिनमें से जो अपर वाली सेल है इस अपर वाली सेल को लार्ज सेल कहते हैं, यानी कि बड़ी होती है, ये माइक्रोपाइल की तरफ होती है, लार्ज होगी माइक्रोपाइल की साइड होगी, और इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि पहले न्यूक्लियर डिवाइड होगा, उसके बाद में सेलराइजेशन सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर डिवीज़न हुआ, 2 सेल बन गई, अब ये वाली सेल के अंदर न्यूक्लियर डिवाइड होते जाते हैं इस तरह से, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इसके अंदर न्यूक्लियरेशन होता जाता है, यहाँ पर भी 2-3 न्यूक्लियस बनते हैं जो भी आगे जाके डीजनरेट हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे डीजनरेट, न्यूक्लियस होंगे डीजनरेट सिर्फ, और यहाँ पर इनके अंदर बन जाएगी सेल्स, इस तरह से यहाँ पर आपको सेल्स का फॉर्मेशन मिलेगा, और नीचे साइड एक वैक्यूल बनेगी, इस जगह पर एक बड़ी सी वैक्यूल बन जाएगी, यहाँ पर एक वैक्यूल दिखेगी लार्ज, और ये बाद में माइक्रोपाइलर की सेल्स के थ्रू फिल कर दिया जाएगा, ये वाला पोर्शन भी ये हो गया पूरा, और इसको भी फिर माइक्रोपाइलर की सेल्स के थ्रू फिल कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से डिफरेंशिएशन दिख सकता है कि ये भी इसके थ्रू फिल हुआ है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो अपर वाली सेल है इसके अंदर माइक्रोपाइल की तरफ की लार्ज सेल है, उसके अंदर पहले साइट कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद में सेलराइजेशन होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, और वो भी सेंट्रीपेटल मैनर में, जैसा कि हमने इसके अंदर पढ़ा था न्यूक्लियर के अंदर। तो हिलोबियल को आप न्यूक्लियर एंड सेलुलर दोनों का मिक्सचर कह सकते हैं, ये मिक्सचर है दोनों का। तो ये फर्स्ट वाला था न्यूक्लियर की तरह हो गया, जो लोअर वाला है चलाजल वाला सेल, इस ये छोटी होगी चलाजल साइड की है, इसमें 2 से 3 डिवीज़न होंगे न्यूक्लियस के अंदर, वो भी अगर रहे तो ठीक है, नहीं तो आगे जाके डीजनरेट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये देखिए एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा सेंटर में, और इसके अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म, वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा यानी कि एक
वैक्यूल यानी कि रिक्तिका, एक बड़ी सी रिक्तिका बनेगी। तो वो रिक्तिका क्या करेगी, जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी इस सेल के अंदर, इसके अंदर जितना भी इसका साइटोप्लाज्म होगा, जितना भी इसका जीवद्रव्य होगा, वो डीजनरेट हो जाएगा, सूख जाएगा, और उस पूरी ही जगह को वैक्यूल कवर कर लेगी। अब ये एक वैकेंट चैम्बर बन गया, यानी कि एक खाली जगह बन गई। इस खाली जगह को माइक्रोपाइलर चैम्बर की जो सेल्स हैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कि ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगी। ये चैम्बर बन गया, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं। अब ये सेल्स धीरे धीरे पहले दो आएंगी, फिर इस तरह से धीरे धीरे इसको भी कवर कर लेंगी। तो ये कंप्लीट हुआ हिलोबियल टाइप का भी। अब इसी के साथ ये चारों कंप्लीट होते हैं। अब ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जैसा कि हमने पढ़ा था फर्स्ट में, क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियर वाला कितने में मिलता है, न्यूक्लियर वाला कितने टाइप के अंदर मिला, 161 फैमिलीज के अंदर मिला है, 161। और ये जो 161 फैमिलीज हैं इनमें मेनली कोकस हो गया, एरेका कटेचू, कैलोट्रॉपिस, अफ्लेशिया, पॉलीगोनम, हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप पढ़ चुके हैं, लिमनेंथस, ऑक्सिस्पोरा, कैलोट्रॉपिस, मतलब डिफरेंट टाइप के आपको डिफरेंट मिल जाएंगे प्लांट या जीनस। सेलुलर टाइप का 72 के अंदर मिल रहा था, और ये ज़्यादातर मिलता है डाइकॉट प्लांट के अंदर, द्विबीजपत्री के अंदर मिलता है। हिलोबियल 17 के अंदर मिल रहा था, और मोनोकॉट एक बीजपत्री के अंदर मिलता है। तो यहाँ तक आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। एंडोस्पर्म का अगर हम काम की बात करें तो एंडोस्पर्म का काम क्या था, एंडोस्पर्म का काम था, यहीं पे मैं बता देती हूँ, एंडोस्पर्म की खासियत ये थी कि इसके पास मेल एंड फीमेल दोनों के करेक्टर होते हैं, इसलिए ये एम्ब्रियो को हेल्दी बनाता है, हेल्दी एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करता है, और उसके साथ साथ ये दोनों के करेक्टर को अपने अंदर रखता है। न्यूट्रिशन इसके पास ज़्यादा होता है, इसकी बात करें न्यूट्रिशन इसके पास हाई अमाउंट में होता है, और इसके साथ साथ ये एंडोस्पर्म जब एम्ब्रियो बन जाता है उसके बाद में बनता है, तो इसलिए यहाँ पर जो इसकी एनर्जी है प्लांट की वो वेस्ट नहीं होती है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, कि किसने कब सबसे पहले एंडोस्पर्म्स की स्टडी की थी, यानी कि किसने कब कौन सी कल्चर किया है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो माइंड को उस अकॉर्डिंग सेट रखिएगा। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।